जन विकास योजना 2035 के अंतर्गत एक बैठक का आयोजन किया गया। आज से 14 साल बाद का उज्जैन कैसा हो, इसके लिए बनाए गए मास्टर प्लान का मंथन कर दौर जारी है। शुक्रवार को मास्टर प्लान 2035 यानी उज्जैन विकास योजना को लेकर जिला स्तरीय समिति द्वारा दावे आपत्तियों सहित सुझावों की सुनवाई की गई। हर 12 साल में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के इर्द गिर्द घूमती रही बैठक। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां शहर विकास के पक्षधर नजर आए, अन्य नेताओं ने सिंहस्थ क्षेत्र को विकास योजना से मुक्त करने का सुझाव दिया। शहर विकास की इस जनसुनवाई में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, रामलाल मालवीय, कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल, नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक सी के साधव सहित बड़ी संख्या में आपत्तिकर्ता एवं अभिभाषक गण एवं पत्रकार एवं आमजन मौजूद रहे। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक समिति द्वारा सभी की आपत्ति को सुना गया एवं यथोचित निर्णय लेने के लिए प्राप्त आपत्तियों को सूचीबद्ध कर राज्य शासन के विचारार्थ भेजा जाएगा। इसी तरह सिंहस्थ क्षेत्र के लिए भूमि आरक्षित करने के लिए कुल 14 आपत्तियां आई हैं। सिंहस्थ क्षेत्र में कृषि से संबंधित निर्माण की अनुमति जारी करने के लिए 6, नवीन प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई कम करने के लिए हटाने एवं नया मार्ग बनाने के संबंध में 41 हैं। पूर्व मंत्री और विधायक पारस जैन के मुताबिक सब चाहते हैं कि शहर का विकास हो, पर सिंहस्थ भी शहर की पहचान है, इसलिए शहर विकास के लिए सिंहस्थ को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। कॉलोनियां भी कटे और उद्योग भी स्थापित हो, पर सिंहस्थ क्षेत्र से बाहर हो, बनना है। उसके संबंध में दावे आपत्तियों की सुनवाई रखी गई थी। लगभग 550 कुल आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमें से सबसे अधिक लगभग 250 के आसपास आपत्तियां ऐसी हैं कि जिनकी सिंहस्थ के लिए आरक्षित जो क्षेत्र है उसमें भूमियां हैं, उसको उससे मुक्त कराना चाहते हैं। लगभग 250 के आसपास इस प्रकार की आपत्तियां प्राप्त हुई थी। दूसरे नंबर पर जो मास्टर प्लान की रोड्स हैं उनके चौड़ा करने से संबंधित या उनको सगरा करने से संबंधित आपत्तियाँ जो है प्राप्त हुई थी। इसके अलावा कई सारी आपत्तियां सिंहस्थ क्षेत्र के लिए आरक्षित करने की या फिर आवासीय और कृषि को या मिक्स यूज को आपस में इंटरचेंज करने की या फिर औद्योगिक से आवासीय करने की आपत्तियां प्राप्त हुई थी। सभी आपत्तियों की सुनवाई जो है वो कर ली गई है और समिति के द्वारा अपने कमेंट्स के साथ में, अपने रिकमेंडेशन के साथ में इनको शासन को भेजा जाएगा। अंतिम निर्णय इसमें शासन को करना। विकास के लेकर के मास्टर प्लान का नया प्रकाशन होने वाला है और प्रकाशन में भविष्य के विकास की दृष्टि से उज्जैन के डेवलपमेंट के मामले को लेकर के जो मास्टर प्लान का प्राथमिक प्रकाशन हुआ है, उस प्राथमिक प्रकाशन पे विभिन्न प्रकार की अलग अलग सुझाव, संशोधन, आपत्तियां, इनकी सुनवाई का दिन था। लगभग 450 से ज़्यादा प्रकार के अलग अलग आवेदन के जो लोगों को सुझाव आए, उसमें से 250 तो सुझाव सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त करने का है कि हमको सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त कर दो। लगभग 200 के आसपास सुझाव में से लगभग 120 प्रकार के सुझाव मार्गों के चौड़ीकरण से संबंधित आए कि मार्गों का चौड़ीकरण करना चाहिए। लगभग 90 सुझाव हमारे FAR बढ़ाने का है कि हमारा जो FAR है शहरी क्षेत्र का, वो FAR बढ़ना चाहिए। बाकी कुछ सुझाव सिंहस्थ क्षेत्र को बढ़ाने के, कुछ सिंहस्थ क्षेत्र को कम करने के, तो सभी सुनवाई आज हमने संपन्न की है और इससे संबंधित जो हमारी कमेटी है उसकी आज दूसरी बैठक है। जो नियम है उसके हिसाब से पुनः एक बार इसका निराकरण करते हुए जब जैसा शासन को लगेगा शासन के पास हम ये पूरा पहुँचाएंगे। यह भी आया है कि मंगलनाथ से लगाकर त्रिवेणी तक ही सिंहस्थ भरता है, वो सिंहस्थ की हमारी प्राथमिकता है। वो सिंहस्थ ही एक उज्जैन की पहचान है, जो हमेशा विकास का काम होता है सिंहस्थ के नाम पर ही। सब आज जो देखा मुझे ऐसा लगा है कि त्रिवेणी से लगाकर मंगलनाथ तक जो नदी का क्षेत्र है उस क्षेत्र को आवासीय नहीं करना चाहिए, ये सबका मत है। PSP करना चाहिए। PSP में मतलब ये होता है कि यदि कोई वहाँ आदमी ऐसा बता, लेकिन वो भी 200 मीटर दूरी पर, कि जिससे कम से कम कि कोई भी गंदा पानी सिपरा में ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये लोगों का मत है, मेरा भी मत ये है कि जो हो सके तो पूरी तरह से मंगलनाथ से लगाकर आपके त्रिवेणी तक कोई भी आवासीय नहीं करना चाहिए। किसी को यदि कॉलोनी बनाना है तो वो कहीं भी बनाए।